बिहार में नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। अररिया में भी चार दिवसीय अनुष्ठान का पारंपरिक अंदाज में आगाज हुआ है। गुरुवार को भगवान भास्कर को सायंकालीन और शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ दिए जाएंगे, जिसको लेकर नदी तालाबों के तट पर खास तैयारी की गई है। फॉरबिसगंज में भी श्रद्धालुओं ने कद्दू भात खाकर व्रत की शुरुआत की है। शुद्धता के साथ व्रतियों ने गेहूं सुखाने का कार्य किया, जिससे खरना का प्रसाद बनाया जाएगा। चार दिवसीय अनुष्ठान में ग्रह गोचरों का शुभ संयोग बन रहा है। महापर्व जो है ये बहुत मतलब शुद्धता के साथ मनाया जाता है। आज कल हम लोग गंगा स्नान करके आए हैं, कल से ही लहसुन प्याज का त्याग करके आज शुद्धता के साथ गेहूं धोए हैं, सुखा रहे हैं, और कल जो है खरना का प्रसाद बनेगा। इसी के साथ छठ का महापर्व शुरुआत हो गया है। पूरी शुद्धता रहती है ना, पूरी शुद्धता के साथ ये पर्व मनाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं जिला वासियों को? मैं अपने पूरे शहर वासियों, जिला वासियों, वार्ड वासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये शुद्धता का जो महापर्व है, इसमें सभी कोई मिलजुल कर और इसमें हाथ बटा के एक दूसरे का इसमें सहयोग करें, और घाट पर भी अगर किसी को किसी तरह का दिक्कत हो उसमें सहयोग करके इस पर्व को मनाने का काम करें। आस्था का पर्व है जोरों शोरों से चल रही है। फारबिसगंज नगर परिषद सारी व्यवस्था कर रही है और यहाँ तक देख रहे हैं कि व्यवस्था हो चुकी है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसको भी पूरा कर ली जाएगी। अभी समय है फारबिसगंज के मैंने कई घाट में कार्य हो रहे हैं। फारबिसगंज में 6 घाटों पर छठ हो रही है। सबसे पहले तो सुल्तान पोखर, दूसरा कोठीहाट, तीसरा बैठा जी का पोखर, डॉक्टर साहब का पोखर, अलग बाबू का, पंचमुखी मानसरोवर और दुजदेनी फील्ड में हम लोग वहाँ विधि व्यवस्था देते हैं, वहाँ भी छठ होती है। यानी पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, सब सजा धजा हो रहा है और जो बाकी है हम लोग उसको नगर परिषद पूरा करेगी।